तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में। मेरा नाम है अतुल, आप देख रहे हैं टेक्निकल फेस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आइए करते हैं प्रारंभ। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं टेक्निकल गुरु जी के बारे में। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा कि इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए शानदार वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की फ्यूचर अपडेट मिलती रहे। अब दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग कर लेते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि हमारे प्यारे टेक्निकल गुरु जी के कंप्लीट हो गए हैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर, जो कि एक बहुत बड़ा माइल स्टोन है। और अगर मेरी बात करूँ तो मैं उनका अराउंड सब्सक्राइबर रहा होऊंगा 200K के आसपास से, यानी फिर मैंने तब से लेकर अब तक का उनका सफर देखा है और उन्होंने कैसे ग्रो किया है ये भी मैंने देखा है। तो मतलब मैं भी काफी पुराना सब्सक्राइबर उनका हूँ। और इवन आई यूज टू वॉच हिज वीडियोज, मतलब डेली के डेली जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उनकी वीडियोज देखता हूँ। अब दोस्तों अगर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि उनकी सक्सेस का राज क्या है और वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचे हैं, तो अगर आप एक टेक यूट्यूबर हैं, अगर उनकी तरह आप बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, आप कहीं मत जाइएगा। और फिर अगर आप ऐसे भी लोग हैं जो टेक्निकल गुरु जी के बारे में जानना चाहते हैं, तो दोस्तों अभी रुकिए, चलता हूं मैं अपने मोबाइल की तरफ और खोलता हूं उनका चैनल। तो आप देख लीजिए टेक्निकल गुरु जी कौन है, उनके सारे कितने सब्सक्राइबर। टेक्निकल गुरु जी का चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए उनके चैनल पे। और अगर मैं बात करता हूँ इनके हार्डवर्क की और इनके कंसिस्टेंसी की, तो वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी रही है इनके चैनल की, जो कि इनको हेल्प किया है 10 मिलियन सब्सक्राइबर को गेन करने के लिए। और 10 मिलियन का मतलब जब हमने कभी सोचा ही नहीं था कि एक बेटर स्कोप हो सकता है टेक्नोलॉजी के मामले में, जो कि इंडियन जो है यूथ हैं जो भी हैं और हम सारे जो जैसे बच्चे हैं ये सब वगैरह जो देखना चाहते हों टेक के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में, रिव्यूज़, गैजेट और कई सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको पहले से नहीं अवेलेबल थी। मेनली हिंदी में इनका मेन जो बेस रहा है चैनल का वो हिंदी रहा है, तो हिंदी में ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन कोई भी अवेलेबल नहीं थी। आपको किस बारे में नहीं देखने को मिल जाएगा इनके चैनल पे वीडियो, वो चाहे हार्ड डिस्क के बारे में हो, कीबोर्ड के बारे में हो, माउस के बारे में हो, या कुछ भी नई टेक्नोलॉजी आती है, एंड्रॉयड, गूगल वगैरह, इन सब की टेक्नोलॉजीज जो लेटेस्ट आपकी आती रहेंगी, AI वगैरह, इन सब की वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो कंसिस्टेंसी थी इनकी वो एक नंबर की थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इन्होंने डेली के डेली वीडियोज अपलोड किया है अपना, और जब से इन्होंने टिकटॉक की शुरुआत की है तब से लेके ये डेली के 2 वीडियोज देते आ रहे हैं चैनल पे। तो अगर आप एक टेक यूट्यूबर हैं, अगर इनसे जरा भी मोटिवेट हैं, तो आपको बस क्या करना है कि एक वीडियो आपको डेली अपलोड करनी है। और फिर अगर इनके सीक्रेट की मैं बात करता हूं, तो इन्होंने स्टार्टिंग में शुरू किया अपना चैनल, वो दूसरी बात है, वो सब कोई मैं बात नहीं करूंगा क्या कैसे है। बट अगर कोई इंसान 1000 सब्सक्राइबर से लेकर के 10 मिलियन सब्सक्राइबर तक का सफर तय करता है तो उसके लिए कितना हार्ड होता है ये आप समझ सकते हैं। और फिलहाल तब जब कोई इस बारे में जानता ही नहीं था, जब इस कैटेगरी को कोई पहचानता ही नहीं था, यू नो अगर आज जो कह रहे हैं सब कंपटीशन, तो कंपटीशन है भैया ये मैं मानता हूं, पर जो एक ऑडियंस बिल्ड हो चुकी है, जो कि जान चुकी है टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि ये जान रही है कि मेरे काम की चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है और मैं यूट्यूब पे जाऊंगा तो मुझे इस गैजेट के बारे में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में, इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वो ऑडियंस कहीं ना कहीं गुरु जी ने बिल्ड की है शुरुआत में, शर्मा जी टेक्निकल ने बिल्ड की है, और जो स्टार्टिंग के जो चैनल्स थे उन लोगों ने बिल्ड की है ऑडियंस। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी अगर मैं हम माने तो इन्हीं चैनल्स की है। और फिर ये हमारे लिए भी ईजी है जो नए टेक यूट्यूबर हैं, क्योंकि अगर एक बार ऑडियंस बिल्ड हो जाती है, अगर ऑडियंस को नॉलेज हो जाता है कि हाँ टेक क्या है, किस बारे में इस वीडियो में बताया जा रहा है, किस बारे में इस चैनल पर बताया जा रहा है, तो आपके चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करेंगे। पर जब शुरुआत होती है तो शुरुआत में किसी को पता नहीं रहता है, वो फुली आपके ऊपर फोकस रहना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को देखते हैं, आपके टैलेंट को देखते हैं, आपकी जो ऑडियंस से कनेक्शन होती है, कनेक्टिविटी कह लीजिए, वो सबको देखते हैं, और तब आप पहली बार वो जाके सब्सक्राइब करते हैं आपके चैनल पे, तो वो सबसे बड़ा बात होता है। और अगर वाइंस की मैं बात करूं, फनी चैनल की बात करूं, तो ऑलरेडी बॉलीवुड हमारे इंडिया में काफी पहले से चला आ रहा है, तो म्यूजिक हो गया, सॉन्ग हो गया, कॉमेडी हो गया, ये सब चीजें तो काफी प्रायोरिटी दी जा रही थी पहले से ही लोगों द्वारा, और फिर ये इनका जो ग्रो करना था वो लाजमी सी बात है, वो तो ग्रो कर जाता, पर जो टेक का अगर हम बात करें टेक की, तो जो टेक का चैनल था वो शुरुआत हम अगर देते हैं प्रायोरिटी तो वो गुरुजी की हो सकती है। अब नेक्स्ट चीज जो आता है कि इनका चैनल इतना बड़ा कैसे हुआ, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि इन्होंने इंटरेस्ट पैदा किया अपनी ऑडियंस में, यानी जो इनकी ऑडियंस बिल्ड होती चली गई 1000-2000 सब्सक्राइबर, तो उनके अंदर इन्होंने एक इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश की है। उसके बाद फिर जो सर्च लिस्ट में आ जाती थी इनके वीडियोस, क्योंकि कोई भी अगर कुछ भी नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहता था तो यूट्यूब पर सर्च करता था,
था, तो उस चीजों से भी इनको फायदा हुआ है। बट जो मेन फायदा अगर मैं बात करूं तो वो इनका मेन फायदा हुआ है अपनी ऑडियंस के इंटरेस्ट से। यानी अगर आप कोई कैटेगरी में अगर वीडियोस बना रहे हैं, अगर आप गैजेट कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं एक दो, उसके बाद फिर एक ऑडियंस को पता चल गया हाँ इनके चैनल पे मुझे न्यू स्मार्टफोन्स के बारे में पता चलेगा, नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा, और फिर जो थंबनेल इन्होंने बनाए हैं, जो अपनी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन दी है, जो टाइटल चूज किया है और जो कॉन्टेंट इन्होंने चूज किया है मेनली, वो ऑडियंस के अंदर इनके इंटरेस्ट पैदा करता चला गया। जैसे जैसे नए लोग आते रहे वैसे वैसे इनका व्यूज बढ़ता रहा, सब्सक्राइबर बढ़ते रहे। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस वेस को रखा कि मतलब टेक्नोलॉजी तो अलग है बट वही इंटरेस्ट है, और टेक्नोलॉजी यानी दूसरी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कभी बाइक के बारे में बता रहे हैं, कभी किसी और चीज के बारे में बता रहे हैं, मतलब एकदम हटके कभी नहीं। जो आप वीडियोस पुरानी देखेंगे टेक्नोलॉजी एकदम हटके है, बट इनका जो ट्रैक है, जो एक कैटेगरी है, वो सेम सी है, वो कभी हटके नहीं रही है। तो इसकी वजह से जो इनकी ऑडियंस थी उसने भी सारी वीडियोस देखी हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये वीडियो अपलोड कर दिया आज, अरे मेरे काम की नहीं है, छोड़ो इसको। तो ऐसा हम लोगों बहुत सारे ऐसे क्रिएटर जो ऐसा करते हैं कि मतलब आज कुछ डाल दिया, कल कुछ और डाल दिया, तो इनकी ऑडियंस होती है जब देखती है ये मेरे काम का नहीं, इसको मैं नहीं देखूंगा। बट ऐसा अब टेक्निकल गुरु जी के साथ बिल्कुल नहीं था, तो इसलिए ये जो है इतने सारे सब्सक्राइबर्स को गेन कर हैं, और ये वीडियो काफी लंबी होती जा रही है और सारी बातें करना था। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं बस इतना ही बात करूंगा। अगर आपको 10 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए तो आपको एक कैटेगरी डिफाइन करनी होगी, ऐसी कैटेगरी जिसमें आप कुछ नया ला सके। बट चांस आपको एक चीज याद रहे, जो चेंज होने वाली बात है कि आपका जो ट्रैक चेंज होता है वो चेंज ना हो, वैसा आप कैसे कर सकते हैं? तो ऐसा आप कर सकते हैं जैसे आज किसी चीज के बारे में बता दिया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कल किसी और चीज के बारे में बता दिया बस उसी टेक्नोलॉजी से मिलता जुलता कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में ही, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग सा ही आप बता दें। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए शानदार वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों मिलता हूं कि अगले वीडियो में, तब तक के लिए।